देख सकते हैं आप मेरे हैंड पे कितना शाइनी लग रहा है। आप इसको दो बार रीयूज़ करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टी स्किन केयर एंड ब्यूटी टिप्स। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे थे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया फेस पैक जो कि समर के लिए बेस्ट है। तो उसके लिए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फेस पैक बनाना। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बनाते हैं अपना फेस पैक। इस फेस पैक को रेडी करने के लिए हमें चाहिए 3 इंग्रेडिएंट जो आसानी से हमारे पास अवेलेबल होंगे। फर्स्ट है हमारा ग्लिसरीन, सेकंड है हमारा नीम पाउडर और थर्ड है हमारा कर्ड यानी कि दही। तो ग्लिसरीन के फ़ायदे मैं बताती हूँ। गर्मियों में तेज़ धूप के कारण हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन में टैनिंग आ जाती है, धूप से स्किन टैनिंग और झुलस जाती है, साथ ही स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, बेजान लगने लगती है। इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ग्लिसरीन काफ़ी बेनिफिशियल है। ये स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। अब बात करते हैं नीम की। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो हमारी स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है। ये स्किन को गहराई से क्लीन करता है, पिंपल्स और एक्नी से प्रोटेक्ट करता है। दही हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दही के यूजेस से डेड स्किन को क्लीन करता है दही और स्किन पर ग्लो लाता है। तो चलिए हम बनाते हैं फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बॉल और एक स्पून चाहिए। पहले हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको लेना है। मैं एक स्पून ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नीम पाउडर, हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। आप इसको अपने फुल बॉडी में भी लगा सकते हो अगर आपको एक्नी या पिम्पल्स प्रॉब्लम है तो, या हमारे स्किन पर बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन, 2 to 3 drops ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना आपको। 1, 2, 3, 4 drops ऐड किया मैंने। तो देखिए मैंने ऐड कर लिया इसमें ग्लिसरीन। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगी अच्छे से ताकि हमारा अच्छा से फेस पैक बन के रेडी हो जाए यूज़ करने के लिए। आप इसको अच्छा से मिक्स कर सकते हो और आपको ज़्यादा, तो देखिए ये हमारा मिक्स हो गया ये, लेकिन बहुत थिक लग रहा है ये। हमें ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है। तो हम इसमें और कर्ड ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा फेस पैक बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे लगा के दिखाएंगे अपने हैंड पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नीम पाउडर में थोड़ा सा धांस होता है जो हमारे आँखों को जलन दे सकता है। इसे आँखों के कॉन्टेक्ट से दूर रखें, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस फेस पैक से। आंखों से थोड़ा सा दूर रखें क्योंकि ये थोड़ा सा झांस लगता है, आंखों में जलन हो सकती है। तो देखिए अब हम इसे लगाने के लिए कोई भी मेकअप ब्रश या कॉटन के हेल्प से हम इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अप्लाई कर लिया अपने हैंड पे। इस समर में आप ये फेस पैक ज़रूर यूज़ करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो हमारे नेक पे रैसेस हो जाते हैं या हमारे हैंड में या कहीं भी हो जाते हैं रैसेस, इसके लिए आप इस फेस पैक को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अपने बॉडी पर भी जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस समर में। तो देखिए अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रहने देती हूँ 15 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक गाइस, 15 मिनट्स के बाद ये हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे वॉश करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक फेस पैक का वीडियो डाली हूँ अपने चैनल पे और इससे और उसके बाद मैं एक नीम हेयर ऑयल का वीडियो डाली हूँ अपने चैनल पे। आप चाहे तो दोनों को चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ रिज़ल्ट आपको। तो देखिए मैंने उसे वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से। आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो बेटर रिजल्ट के लिए। देख सकते हैं आप मेरे हैंड पे कितना शाइनी लग रहा है। आप इसको 2 बार रीयूज़ करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।